दिल्ली के बख्तावरपुर में निगम पार्षद व नरेला नगर निगम जोन के चेयरमैन सुनीत चौहान ने भोजन वितरण कार्यक्रम शुरू किया। ये वितरण दो दिन पहले शुरू हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। जब तक यहाँ लोगों को जरूरत होगी, ये भोजन वितरण शाम के 5 बजे से 7 बजे तक किया जाता है और इसमें कोरोना से बचने के नियमों का पूरी तरह से सख्ती से पालन किया जाता है। टू के लिए खाने की उपलब्धि कराई है और जो भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं वो खाना ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर इसका उपयोग कर रहे हैं। सुबह शाम का इंतजाम बख्तावरपुर में है। सुबह एक हमारी संस्था है गांव की, अग्रवाल संस्था और अग्रवाल हरिओम संस्था, वो लोग सुबह 12 से 2 बांटते हैं और हम शाम को 5 बजे से इस खाने का वितरण करते हैं। तो बख्तावरपुर और बख्तावरपुर के आसपास के इलाके और वार्ड नंबर 2 में मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी दिक्कत है वो सुबह मंदिर में 12 बजे जा सकता है और शाम को 5 बजे बख्तावरपुर में यहाँ पर आ सकता है। हम खाने के बिना किसी भी व्यक्ति को नहीं रहने देंगे और हमने एक सिस्टम भी बनाया हुआ है सोशल डिस्टेंस का। आपने देखा होगा ये छोटे छोटे घेरे हमने बनाए हैं, कई सौ की संख्या में बनाए हैं और कई सौ की संख्या में घेरे बनाकर एक एक आदमी इसमें रहता है और एक एक आदमी बढ़ता है। सोशल डिस्टेंस का जो मोदी जी ने कहा है उसका हमने पूरा प्रयोग किया है और मोदी जी के आह्वान पे कि कोई आदमी, कोई भी हमारा दिहाड़ी मजदूर, कोई भी मजबूर यहाँ पर भूखा न रहे, उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क के ऊपर करीब 1 किलोमीटर तक गोल दायरे में बना दिए गए हैं जिनमें भोजन ग्रहण करने वाले लोग खड़े होते हैं। दिन में भोजन तैयार करके उनकी पैकिंग तैयार कर दी जाती है और शाम के 5 बजे से 7 बजे तक लगातार ये पैकेट बंद भोजन सभी जरूरतमंदों में बांटा जाता है। बांटते हुए पूरी उचित दूरी रखी जाती है, साथ ही मास्क, ग्लव्स आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ये 1700-1800 आदमियों के करीब खाना है जो हमें दिखता है कि ये जो है ना परेशान है ये लोग, उनको हम जिसके पास खाने का इंतजाम नहीं है उसके लिए हम खाना हम डेली बनाते हैं और ये इन लोगों को खिलाते हैं जो लोग गांव में और अपने वार्ड में और जो है ना कहीं का भी जो भी बाहर का भी जो भी लोग रुका हुआ है उनके लिए हम खाना ये तैयार करते हैं। कितने दिन से लगातार इस तरह की? ये हमें 3 दिन हो गए लगातार, अभी 3 दिन से हमने शुरू किया ये। हाँ, निगम पार्षद सुनीत चौहान, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौहान, ये सारे मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। सुनीत चौहान के इस कार्य में श्री हरिओम अग्रवाल, सनातन धर्म मंदिर सेवा समिति व पालनहार संस्था ने भी सहयोग किया है। महाराजा अग्रसेन स्कूल द्वारा संचालित श्री हरिओम अग्रवाल सनातन मंदिर सेवा और पालनहार संस्था इस एरिया में इस तरह के सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। सुनीत चौहान ने कहा कि दोपहर का भोजन तो कई संस्थाओं द्वारा और सरकारी स्कूलों में भी सभी लोगों में बांटा जाता है, पर शाम के भोजन की कोई किल्लत ना हो इसलिए इन्होंने शाम का वक्त रखा हुआ है।